आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपने हार्ट बीट सेंसर जो है वो ऐड करना है प्रोटीस में। तो उसके लिए आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा अपने प्रोटीस में। तो लाइब्रेरी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप ये लाइब्रेरीज डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक जिप फाइल है और इसको डाउनलोड करके अनजिप करें या एक्स्ट्रैक्ट हेयर कर दें, उसके बाद आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा, इसको आप ओपन कर दें। ओपन करने के बाद इसमें चार फाइल्स हैं, तो इन तमाम चार फाइलों को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप यहां से प्रोटीस फाइल सर्च कर लें। प्रोटीस फाइल सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट इसके प्रोटीस के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जाएं, और ओपन फाइल लोकेशन के बाद एक स्टेप पीछे जाएं प्रोटीसियन प्रोफेशनल पे। अगर आपके पास ये रास्ता, आपके पास दूसरा तरीका है कि जहाँ पर आपके पास इंस्टॉल्ड है लाइब्रेरीज पड़े हैं, तो वहाँ जाके डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी का फोल्डर आपको मिलेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन कर दें और इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें चारों फाइलों को। मेरे पास ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है ये लाइब्रेरी, तो मैं अपडेट नहीं करना चाहता, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अब जाके आप प्रोटीस जो है वो अगर आपके पास ओपन है तो उसको क्लोज करके दोबारा रीओपन कर दें, ताकि लाइब्रेरीज अपडेट कर दें। उसके बाद कंपोनेंट मोड पर आके यहाँ से आप सर्च कर लें। तो आपने हार्ट बीट सेंसर ऐड कर दिया है, आप इसको मैं अगर आपको दिखा दूं, हार्ट बीट आपकी ऐड हो गई है फोर फाइल्स, तो इसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो सेंसर में सेंसर मिलेंगे, सेंसर वन सेंसर और उसके बाद सेंसर टू, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दें। इसको आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और उसके बाद पिन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके पास यहाँ पर एक ग्राउंड है, तो उसको आपने हमेशा ग्राउंड करना है। VCC है, इसको आपने 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। आउट पिन जो है या आर्डिनो के साथ आपने कनेक्ट करना है, या माइक्रो कंट्रोलर या जिस तरह भी आप यूज़ करना कर रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट पिन है, तो टेस्ट पिन यहाँ पर आपने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है और उसको चेंज करते हैं, आपकी हार्ट बीट की वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। याद रहे कि हार्ट बीट सेंसर और हार्ट बीट सेंसर टू जब भी यूज़ करेंगे इसमें लाइब्रेरी ऐड करते वक्त ख्याल करें कि जब अगर टू यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर हेक्स फाइल, दो हेक्स फाइल है यहाँ पर, हेक्स ये देखें टू हेक्स फाइल है, ये सिंपल है। तो आपने अगर टू सेंसर यूज़ करना है तो टू वाली जो हेक्स फाइल है वो ऐड करनी है, अदरवाइज़ ये पहली वाली ऐड करनी है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लाइब्रेरी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।